नमस्कार दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से लक्ष्मी की हर डिमांड पूरी करने के लिए जो कि मलिष्का, नीलम और इस साथ में करिश्मा पूरा जोर लगाते हैं ताकि लक्ष्मी इस रिश्ते को किसी भी तरीका से मना ना कर सके। लेकिन दोस्तों, कहानी में एक और नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है, जहाँ पर वो लड़का अकेले में कुछ समय लेना चाहता है, वो भी लक्ष्मी के साथ में, ताकि लक्ष्मी किसके साथ में कुछ बातचीत कर सके, लक्ष्मी की चॉइस पूछ सके, लक्ष्मी का दिल का हाल पूछ सके। वहीं बात की जाए राजवीर की, सॉरी इधर आयुष की, आयुष बोलता हुआ नजर आएगा कि मैं आज हार गया हूँ, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि किस तरीका से हो गई है। क्योंकि दोस्तों, आयुष इस समय सबसे ज़्यादा अपसेट नज़र आ रहा है लक्ष्मी के इस शादी के पावन अवसर पर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी का अगला भाग जो आएगा वो और भी घना दिलचस्प होने जा रहा है, जब ऋषि की आंखों पे साफ साफ देखा जा सकता है कि उसकी आंखों में आंसू हैं। और वाकई में दोस्तों, ये आंसू कैसे हैं ये आप लोग जानते हैं, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा अगर कोई पेन से गुजर रहा है तो लक्ष्मी और ऋषि ही हैं एक दूसरे के लिए। क्योंकि दोस्तों, लक्ष्मी कभी ऋषि से दूर नहीं होना चाहती। वहीं बात की जाए इस समय लक्ष्मी के साथ साथ में घर वालों के, तो कुछ घर वाले पक्ष में हैं लक्ष्मी के, में कुछ भी पक्ष में हैं। वहीं ऋषि का मानना ये है कि लक्ष्मी इस घर के लिए वाकई में दोस्तों लक्ष्मी थी। और आप लोग जानते ही हैं कि इस समय सबसे ज़्यादा आहाना, आयुष, दादीमा, ऋषि के फादर, ऋषि बहुत ज़्यादा अपसेट नज़र आ रहे हैं लक्ष्मी के इस रिश्ते के साथ में। लेकिन दोस्तों, ऋषि को कम से कम खुशी है कि चलो फाइनली लक्ष्मी को जो लड़का मिल रहा है वो मेरे से भी काबिल और मेरे से भी अच्छा और हर तरीका से मजबूत लड़का है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये एक्शन कहां पर जाकर पूरी तरीका से बदलता हुआ नजर आने वाला है। साथ ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।